नमस्कार, वेलकम टू बैक केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महाजनपदकाल। महाजनपदकाल पूर्ण रूप से अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आगे की इतिहास की समझ के लिए ये पढ़ना हमें ज़रूरी है। इसलिए अब पढ़ते हैं, कुछ महाजनपदकाल के बारे में कुछ परिचय प्राप्त कर लेते हैं। महाजनपदकाल महाजनपदकाल इसका जो टाइम पीरियड है 600 BC से 322 BC कब तक, जब मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो मगध के सिंहासन पर काबिज नहीं हो जाता, तब तक वो कहलाता है महाजनपदकाल। अब आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो छोटे छोटे जो जनपद थे, छोटे छोटे जन थे, वो बनकर वो जनपद बन गए। जन प्लस जन, जनपद बन गए, ठीक है। अब वही महाजनपद काल के अंदर क्या हुआ कि जो जनपद और जनपद मिलकर तो बड़े बड़े नगर के अंदर विकसित हो गए, उसे महाजनपद कहते हैं। जनपद के अंदर जनपद मिल गए कुछ, और ये मिलकर महाजनपद हो गए। अब महाजनपदों की जो सबसे जानकारी है, 16 महाजनपद हुए, उन 16 महाजनपदों की जो जानकारी हमें दो ग्रंथों में मिलती है, वो है बोध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ठीक है, इनमें 16-16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों की। अंग मगध काशी कौशल छेदी वत्स कुरु पांचाल अस्मक गांधार सूरसेन मल्लवज्जी और अवंती, ऐसे करके 16 जो महाजनपद हैं इनके जो नाम हैं वो इन दोनों ग्रंथों के अंदर मिलते हैं। पांच छह कुछ जो महाजनपदों में कुछ अंतर हैं, लेकिन मोटे मोटे रूप में सेम। अब एक एक करके महाजनपदों की कुछ कुछ डिटेल प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले मगध। मगध था वो सबसे बड़ा महाजनपद था, क्योंकि मगध की कुछ सामरिक स्थिति ठीक थी, उसके आसपास की 5 पहाड़ियाँ थी जिससे वो थोड़ा सुरक्षित महसूस करता था। पास में कोई सोन 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से, नदियों से सोन, गंगा वगैरह, इनके पास में कुछ नदियाँ थी। इस कारण जो ये मगध की जो स्थिति है वो बाकी से ज़्यादा अच्छी थी। मगध की जो राजधानी है वो राजगृह है, बाद में इसकी राजधानी कुशाग्रपुर, वसुमती भी हुई, और बिंबिसार जो था वो वहां का राजा था मगध का। ठीक है, बिंबिसार था वो भगवान बुद्ध के समकालीन था, भगवान बुद्ध के समकालीन।
अब बात करते हैं कौशल की। दूसरा महाजनपद कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी थी शाकेत। जिसे अयोध्या और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है। यहाँ का राजा जो प्रसेनजीत था वो बुद्ध भगवान बुद्ध के समकालीन था। प्रसेनजीत जो था वो भगवान बुद्ध का समकालीन, बुद्ध का समकालीन। प्रसेनजीत का जो परिवार का जो वैवाहिक संबंध था, इसकी जो बहन माँ कौशला थी, उसका जो मगध के राजा तो जो थे वो बिंबिसार, इनसे विवाह भी हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद में हम वत्स। वत्स की राजधानी वो कौशाम्बी। यहाँ का जो महत्वपूर्ण जो राजा था वो उदयन था। उदयन महत्वपूर्ण राजा। ठीक जो ये कौशाम्बी हैं, इसकी जो स्थापना है वो पांडवों के वंशज स्थापना पांडवों के वंशज दिशक्षु ने की थी। दिशक्षु ने, क्योंकि जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर जो पांडवों का था वो बाढ़ में बह गया था। हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया। बाढ़ में बह गया। जो ये इसकी जो अभी जो वर्तमान अगर जगह माने तो यूपी का बांदा और इलाहाबाद, बांदा व इलाहाबाद का जो इलाका है वो उस समय वत्स के अंदर पड़ता था। ठीक है, अब बात करते हैं अवंती की। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी। और दक्षिणी महिष्मती। ठीक है, यहाँ का जो राजा प्रसिद्ध जो राजा था वो प्रद्योत था, प्रद्योत सेन। प्रद्योत सेन ने बुद्ध को कई बार बोला कि हमारे राज्य में आओ, लेकिन बुद्ध जो एक बार भी उनके राज्य के अंदर नहीं गए। ठीक है,
पद्युत सेन ने जो उदयन को बंदी बना लिया, बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। अब उदयन कौन था? अभी उदयन के बारे में हमने पढ़ा था, वत्स का राजा उदयन, ठीक है। और जब प्रद्योत सेन की जो बेटी थी वासव दत्ता, उसने उद्योत को फ्री करवाकर उससे विवाह कर लिया। उदयन था वो हाथियों से लड़ने के अंदर माहिर था। वासव दत्ता से विवाह करता है। वासव दत्ता कौन थी? प्रद्योत की बेटी, प्रद्योत की पुत्री। अब है कुरु, की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो आज का जो दिल्ली का जो आसपास का प्रदेश है, दिल्ली कुरु है ना, कुरु की राजधानी थी दिल्ली और इसके आसपास का क्षेत्र, दिल्ली व इसके आसपास का क्षेत्र। इंद्रप्रस्थ, पांडवों ने स्थापना की थी इसकी। अब पांचाल, इसका जो वर्तमान जो एरिया है यूपी का, बरेली, बदायूं और फरुखाबाद जिला, वो पांचाल के अंतर्गत आता था। उत्तरी जो पांचाल की राजधानी थी वो अहिच्छत्र और दक्षिण की कांपिल्य। दक्षिणी की राजधानी कांपिल्य। बाद में जो कन्नौज था, कन्नौज का बाद में जो एरिया था वो पांचाल के अंतर्गत आता था। पंचोल का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। पांचाल हो गया। अब बात करते हैं अंग की।
अंग की राजधानी थी चंपा, इसका और नाम मलिनी भी मिलता है। महाभारत काल में जो इसका राजा था वो कर्ण, कर्ण का नाम सुना था ना महाभारत काल में। महाभारत काल में कर्ण अंग का राजा था। अंग को बाद में फिर बड़े जो महाजनपति इन्होंने हड़प लिया था धीरे धीरे। ठीक, छेदी महाजनपद। ठीक है, छेदी की राजधानी थी शक्तिमती। ये भी महाजन महाभारत कालीन महाजनपद था, महाजनपद कालीन राज्य, महाभारत कालीन कालीन राज्य। तो शिशुपाल था यहाँ का, शिशुपाल जो था वो यहाँ का राजा था। शिशुपाल था वो यहाँ का राजा था। ठीक है, अब बात करते हैं मत्स्य जनपद की, मत्स्य महाजनपद। आज का जो जयपुर अलवर वाला जो प्रदेश है वो इसके अंतर्गत आता था, आधुनिक जयपुर व अलवर का प्रदेश का क्षेत्र। इसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर, महाभारत काल में आपने महाभारत में आपने देखा होगा कि जो अर्जुन की जो बेटी थी, अर्जुन का जो पुत्र था उसका विवाह जो विराट विराटनगर के राजा थे, जो विराट थे, उनकी बेटी उत्तरा से होता है। ये लिख लो, यहाँ के राजा विराट थे महाभारत काल में। यहाँ के राजा विराट थी, विराट की पुत्री उत्तरा, विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह जो है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से होता है। ठीक, सूरसेन, सूरसेन जो आज का जो मथुरा वगैरह जो वाला जो प्रदेश है, मथुरा भरतपुर वगैरह मथुरा के आसपास का
ठीक है, सूरसेन की राजधानी मथुरा, कृष्ण यहाँ का राजा था महाभारत काल में। महाभारत काल में कृष्ण जो यहाँ का राजा था। अब बात करते हैं अगले महाजनपद गांधार की। गांधार का कौन सा क्षेत्र था? आधुनिक पाकिस्तान का, आधुनिक पाकिस्तान है रावलपिंडी और पेशावर जिला। ठीक, इसकी जो राजधानी तक्षशिला, बाद में वह महान शिक्षा का केंद्र, बड़ा शिक्षा का केंद्र बनता है, और इसकी जो स्थापना की थी वो भरत के बेटे तक्ष ने की थी। रामायण काल के जो भरत थे ना, राम के भाई, भरत के वंशज, भरत शकुंतला वाला। अब बात करते हैं कंबोज की। कंबोज, कंबोज जो दक्षिणी पश्चिमी, इसका जो आधुनिक जो क्षेत्र है वो दक्षिणी पश्चिमी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वाला एरिया। ठीक है, और जो इसकी राजधानी थी उस समय हाटक, अब देखो कंबोज के जो निवासियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया। वार्ता शस्त्रोपजीवी उसका मतलब है कृषि पशुपालन और व्यापार वाणिज्य करने वाले, इनको वार्ता शस्त्रोपजीवी, वार्ता शस्त्रोपजीवी। ठीक है, क्या होता है ये? कृषि पशुपालन और व्यापार वाणिज्य करने वाले। ठीक हैं वार्ता शस्त्रोपजीवी। ठीक, एक था काशी, एक था अस्मक। काशी की राजधानी, काशी सूरती, काशी जो की राजधानी थी वाराणसी, आधुनिक वाराणसी वाला जो एरिया है वो। ठीक है, अब ये सूती वस्त्र का उस समय महान केंद्र के रूप में बाहर आ गया था, सूती वस्त्र के महान केंद्र के रूप में उभर कर आ गया था। महान केंद्र, महान केंद्र था अस्मक। तो दक्षिण का, दक्षिण में था गोदावरी नदी के किनारे स्थित था।
ये था गोदावरी नदी के किनारे, दक्षिण का एकमात्र जो महाजनपद था। ठीक है, और बुद्ध काल के ही अंदर इस अश्मक को अवंती ने जीत लिया था। ठीक है, देखिए ये काशी है जो आधुनिक वाराणसी के आसपास वाला जो एरिया है वो उस समय काशी में पड़ता था। सूती वस्त्र का महान केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है, क्योंकि देखो अब सूती जब लोहे का आविष्कार हो गया था तो महान जो बड़े बड़े नगर होने लग गए थे उसमें ये सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में उभरा। फिर अश्मक है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, और साउथ के अंदर दक्षिण के अंदर एकमात्र जो सबसे बड़ा महाजनपद था वो अश्मक ही था। और ये बुद्ध काल के अंदर ही जो एक हमने पढ़ा था विंध्याचल पर्वत के आसपास जो ये अवंती है इसने अश्मक को जीत लिया था। मल और वज्जी ये दोनों गणराज्य थे, ये भी गणराज्य था ये भी गणराज्य था। ठीक है, मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशीनारा। बच्ची की वैशाली, ठीक है। तो ये मतलब छोटे छोटे नगरों का एक गणराज्य बनाया गया था बच्ची को, उग्र भोग वगैरह कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो गणराज्य थे उनका। मल्ल की दो राजधानी थी कुशीनारा और पावापुरी। पावापुरी आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों का जो संबंध है मृत्यु के समय जो संबंध है वो मल्ल से रहा है, और वज्जी जो उस समय बहुत बड़ा गणराज्य के रूप में स्थापित हो चुका है, हर कोई जो बड़ा महाजनपद था वो वज्जी से अपने आप को संबंध स्थापित करना चाहता था। आठ गणों का संघ था ये। मिथिला के विदेह, मिथिला वैशाली के लिच्छवी, वगैरह इनमें जो सबसे वो महत्वपूर्ण थे उसके अंदर। कुंडग्राम के ग्रातक, ठीक है, इसका जो संबंध था वो महावीर स्वामी से था। महावीर स्वामी इस यहाँ की थी, महावीर स्वामी से संबंधित थी। ठीक है, आज हमने महाजनपद का कल जो 16 महाजनपद है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल प्राप्त की, क्योंकि आगे जो इतिहास है उसको हम सही तरीके से समझ सके। इसके अंदर आज जो नगर थे महाजनपद काल वो बड़े बाद में बड़े बड़े युद्ध करते, और युद्ध करने के बाद में एक दूसरे नगर को अपने अंदर हड़प कर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करते, वो बाद में मगध के रूप में उसका उत्कर्ष होता है। तो इन महाजनपद को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था।
ठीक है, अगली क्लास में हम मगध के उत्कर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।